नमस्कार किसान भाइयों, माय फार्मर्स एग्री एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मक्के में लगने वाली फॉल आर्मी वर्म की पहचान और उसका कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फॉल आर्मी वर्म की जो मुख्य पहचान होती है, उसके सिर पर वाई आकार का सफेद निशान होता है और पीछे की ओर चार काले बिंदु होते हैं। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। तो जो कंपनी में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है उसके बारे में बताता हूँ। इसमें रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है फेनमल रेड, कार्बोसल्फान, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस लेमडा साइबोथ्रीन, क्लोरोपाइरीफास प्लस साइफरमेथ्रीन, इमामेक्टिन बेंजोएट, फ्लुवेंडामाइड, एंडोक्सा कार्ब, मिथोमिल, नोवालुरान, प्रोफेनोफास, स्पाइंटोरम, बेसिलस थुरेंजेंसिस और बेवेरिया बेविशाना। ये सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। आप इसका स्प्रे करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया नीचे दी हुई लाल बटन को दबाएं, तो इसी प्रकार के हम नए नए प्रोडक्ट की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। किसान भाइयों, इसको शुरुआती अवस्था में 2 से 3 पत्ती की अवस्था में यदि आप कंट्रोल करोगे तो कम खर्चे में आपका काम अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस क्लोरोपाइरीफास या फ्लुवेंडामाइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोफेनोसाइपर से भी कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि आपको शुरुआती अवस्था में इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। और ज़्यादा मात्रा में यदि हो तो उसके ऊपर इंडोक्सा कार्ब या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल या स्पेंटोरम जैसे प्रोडक्ट हेवी मॉलिक्यूल आप यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिले। आपका अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।